डीएवी स्कूल के पास पांच गांव खेंडा रटियाल कोलड़ी लकूही और बसी के लिए करीब 35-40 साल पहले बनी संपर्क सड़क को एक परिवार ने रोक दिया। पीडब्ल्यूडी के जे सहित पुलिस टीम ग्रामीण मौके पर सड़क को खुलवाने के लिए पहुंचे, लेकिन संबंधित परिवार ने दोपहर तक किसी की नहीं सुनी। सचिन और उसकी मां मीना का साफ कहना है कि उस जमीन पर उनकी मलकियती भूमि निकली है, यहां से सड़क हरगिज नहीं दी जाएगी। वहीं ग्रामीण ओपी ठाकुर का कहना है कि सड़क बंद करने की शिकायत 1100 नंबर पर भी की है, उसकी कार्रवाई अब विधिवत तरीके से होगी ताकि लोगों की इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके। डीएवी स्कूल के पास पांच गांव खेंडा रकड़ियाल कोलड़ी लकूही और बस्सी के लिए करीब 35-40 साल पहले बनी संपर्क सड़क को एक परिवार ने रोक दिया। पीडब्ल्यूडी के जेई सहित पुलिस टीम ग्रामीण मौके पर सड़क को खुलवाने के लिए पहुंचे, लेकिन संबंधित परिवार ने दोपहर तक किसी की नहीं सुनी। सचिन और उसकी मां मीना का साफ कहना था कि ये जमीन उनकी मलकियती भूमि निकली है, यहां से सड़क हरगिज नहीं दी जाएगी, इसका स्टे भी ले रखा है। जबकि ग्रामीणों में ग्राम सुधार सभा के प्रधान पवन राणा का कहना था कि जब ये सड़क बनी थी तो सबकी सहमति से बनी थी। पीडब्ल्यूडी ने इस पर करीब 40 लाख रुपए खर्च किए हैं, इसे कोई बंद नहीं कर सकता है। अगर सड़क को बंद करने के कोर्ट के ऑर्डर हैं तो दिखाओ। जमीन के किसी भी नंबर का स्टे इसके लिए मान्य नहीं है। जो कागज स्टे के दिखाए जा रहे हैं वे सड़क रोकने की इजाजत नहीं देते हैं। की एक आदमी ने पांच गांव के रोड को बंद कर दिया है, क्योंकि वो अपनी प्ली ये दे रहा है कि ये रोड मेरा है और इसका मैंने स्टे लिया है, जबकि ऐसा वैसा कुछ नहीं है। और ये 50 साल पुराना है, गवर्नमेंट के अंडर है, पीडब्ल्यू को हैंडओवर कर दिया रोड है। इनके पास कोई परमिशन नहीं है रोड को बंद करने के लिए। पीडब्ल्यू का जो यहाँ पे स्टाफ यहाँ पे है, पुलिस फोर्स यहाँ पे, फिर भी किसी की नहीं मान रहा है। और लोग पांच गाँव के लोग जो परेशान है, अगर हमने थोड़ी देर इंतजार करना, अगर इसने रास्ता नहीं खोला, पुलिस खोलने में नाकामयाब रही, तो हम दोनों तरफ से इसका चक्का जाम कर देंगे, हम उसको बंद कर देंगे, नेशनल हाईवे भी बंद कर सकते हैं। इसमें पांच लोगों के गांव हैं, खेंडा लुकुई कल्याण बसी कोलड़ी, कम से कम 6-7 आदमी सर्वाइव करता है यहाँ पे। पीडब्ल्यूडी के जेई नीतीश ने भी समझाया कि आप इस तरह सीनाजोरी से सड़क बंद नहीं कर सकते, नहीं माने तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करवानी पड़ेगी। पुलिस ने भी उनको ऐसा न करने के लिए समझाया। उसके बाद विभागीय और ग्रामीणों के दबाव के बाद संबंधित परिवार वाले सड़क खोलने के लिए माने, लेकिन उन्होंने साफ किया कि सबके सामने निशानदेही लेंगे, उसके बाद कोर्ट से सड़क बंद करने को स्टे लेंगे। अगर सड़क बंद करने को मंजूरी मिल जाती है तो दोबारा से इसे बंद कर देंगे, जिस पर ग्रामीणों ने भी सहमति दे दी। उसके बाद सड़क खोली गई। विलेज खेंडा है, ये किसी लोकल आदमी ने यहाँ पे डीएवी स्कूल के पास रोक दिया था, उसको अभी हमने रिक्वेस्ट करके खुलवा दिया कि आप प्रोसीजर भी अप्लाई करो, आपका कोई लैंड डिस्प्यूट है या कुछ है तो आप प्रोसीजर भी इसको चैलेंज कर सकते हैं। तो जो भी है कार्रवाई वो कानूनी की जाएगी और हमने अगर ये नहीं खोलते तो FIR कर देंगे। वहीं ग्रामीण ओपी ठाकुर का कहना है कि सड़क बंद करने की शिकायत 1100 नंबर पर भी की है, उसकी कार्रवाई अब विधिवत तरीके से होगी ताकि लोगों की इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके। कम से कम 25-30 साल से जब डीएवी स्कूल बना उस टाइम रोड ये निकला था, पीडब्ल्यूडी ने बनाया था रोड, तो इन लोगों ने जो जमीन बाद में ली तो ये बोलते कि हमने स्टे लिया है। स्टे था तो कोई है नहीं इसका, अगर इनका स्टे होता तो पहले निशान भी लेती, पंचायत को बुलाते और उसके बाद बात करते, मगर इन्हें 4-5 गांव पड़ते हैं हमारे, कोलड़ी खेंडा लकूई बस्सी कोलड़ी ये गांव के लिए रकड़ियाल, अब ये इससे आगे भी सड़क बन गया और ये रोड कम से कम 40 लाख सरकार ने लगाया है, अगर इस तरह लोग बंद करते रहे तो सारे रोड बंद हो जाएंगे। तो देखो ना, ये ना इन्होंने कोई निशान दे लिया, ना कोई किसी को बुलाया, अपनी मर्जी से इन्होंने गाड़ दी है। अब ये DAV के गाड़ियों को निकलने दे रहे थे, अब वो और बाकी लोगों के लिए बंद कर दिया, तो हम चाहते हैं कि इसका तो 40 लाख रुपये सरकार ने लगाया है, तो इसके बारे में उचित कार्रवाई होनी चाहिए और जो गलत किया तो इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हर आदमी आपने एक मुख्यमंत्री को मैंने मुख्यमंत्री को भी इसकी 1100 नंबर कंप्लेंट की है सुबह, और इसका भी मैंने बोला देश का जल्दी समाधान किया जाए। देखो ये जो रास्ता रोका है, ये सड़क लगभग 25-30 साल से चली हुई थी, ये सड़क 25-30 साल से चली हुई थी, तो अचानक श्री सचिन कुमार ने इस सड़क में जंजीर लगाकर पौड़ी लगाकर इस सड़क को बंद कर दिया, जिसके कारण यहाँ लगभग 5 गांव है, कोलड़ी लकूई खेंडा रखड़ियाल बा यहाँ DAV स्कूल है, ये सारी पब्लिक यहाँ पर परेशान हो रही है। रात को कोई बीमार हो जाता है, अगर उसको गाड़ी से लाना है तो ये रोड बंद होगा, तो वो तो बंदे की डेथ ही हो जाएगी इसमें,
तो मैं तो ये चाहता हूँ इस प्रकार के व्यक्ति जो सरकारी ये पीडब्ल्यूडी विभाग ने बनाया हुआ है, अगर ऐसे सरकारी रोड को कोई रेस क्रिएट करता है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। कार्यक्रम में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद रुक करेंगे प्रदेश की ओर।